ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਸੀਬਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਈ ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ। इस संबंधी पत्रकारों नाल गलबात करदा डीएसपी ने दस्या कि पुलिस पार्टी ते हमला सचमुच चिंता दा विषय है, पर पुलिस इस नूं सख्ती नाल निजेठेगी। पंजाब सरकार दा मुख्य मतलब उद्देश्य भी नशे नूं खत्म करना जी। कल एक टीम गई सी बारे के एसटीएफ दी, उस टीम ते हमला कीता गया, उस बारे तुसीं की कहना चाहुंदे? देखो जे कोई नशे दा कारोबार करदा और जे कोई टीम उहनां नूं फड़न वास्ते जांदी है तो जे कोई अगों उन्होंने उत्ते कोई हमला हुंदा तो यह बहुत माड़ी घटना, यह बहुत निंदन योग घटना हैगी, क्योंकि पंजाब दे विच्चों जे असी नशे नूं खत्म करना तो जे टीमां दे उत्ते हमले होण लग गए तो फिर असी उस नूं खत्म नहीं कर सकांगे। जिहड़ा अपने कल पुलिस पार्टी ते सर हमला होया सीगा, इहदे बारे जिहड़ा एसटीएफ दी जिहड़ी टीम गई सी कोई जिहड़े एनडीएस एनडीपीसी दे मामले च, उहदे बारे की कहना? कुछ इदा एस टी एफ की टीम ने मुखबरी हुई सी कि अपना बलविंदर सिंह ते चमन सिंह ये दो बंदे आ हबीब वाले दे ते इन्हां दे कोले नशा बेचते सी, स्मैक पूरा चिट्टा बेचते सी, जिस दे मुखबरी के आधार पर इन्होंने परचा मुकदमा नंबर 222 मिती 31/10/2020 दर्ज रजिस्टर कराया सी। तो जो मौका तो इन्होंने दोवें बंदे फड़े सी ते 90 ग्राम स्मैक फड़ ली सी, पर पिंड दे कुछ लोग इकट्ठे होए, 5 आदमी जिहड़े बाई नेम हैगे ने ते ये मौके पर उन्हें छुड़ा के लै गए, जिहदे विच मंगल सिंह, गुरदयाल सिंह, ओंकार सिंह, सतनाम सिंह, बलवंत सिंह ये सारे बंदे सी। इन्हां दे बरखिलाफ मुकदमा नंबर 224/1/11/20 दर्ज होया। तो जो तफ्तीश जारी है उन्हां दा कुछ होर कहना, उन्हां दा कुछ होर कहना। ये मंगल सिंह सर कौन है? मंगल सिंह सरपंच है, मौजूदा सरपंच है, कांग्रेस सरकार का पता नहीं मैंने, पर 5 बंद खिलाफ है जो तफ्तीश सामने आऊगा। सर लगातार जो पुलिस के हमले हो रहे हैं, कई बार जाते हैं पार्टियां जाने लगातार जी पुलिस नहीं सुरक्षित है कि आम बंद की ये सोचने वाली गल है, पर इस बारे जल्दी को हल कटा गया भी। बंद अरैसट किया जाएगा सर जो दूजे? हाँ जी हाँ जी, बंदे अरैसट हो गए, जो कार्रवाई बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ही दसे जा रहे हैं ये पता नहीं मैंने इस बारे। फिरोजपुर तो मदीप शर्मा दी पोड़ लाई भारत। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मैं हाँ जेपी सिंह कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी तो। कोविड-19 की महामारी तो बाद यूके, यूएसए, कैनेडा, आस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के निजमां विच आया है वड्डा बदलाव। जेकर तुसी भी इन्हां कंट्रियां दे विच स्टडी वीज़ा अप्लाई करन बारे सोच रहे हो तो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी की एक्सपर्ट टीम तो सलाह लैना ना भुलना, क्योंकि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी कोल है पिछले 13 साल का वड्डा तजर्बा, जिन्हां दी मदद दे नाल हज़ारां ही पंजाब दे नौजवान विदेश दे विच अपना चंगा भविख बना चुके ने। जेकर तुसी भी विदेश पढ़ाई वीज़े ते जाना चाहुंदे हो तां स्क्रीन ते डिस्प्ले हो रहे नंबर ते कॉल करके तुसी मैनू अमृतसर ते जलंधर ऑफिस दे विच मिल सकदे हो और असी करांगे तुहाडा विदेश दे विच पढ़ाई करन दे सुपने नूं साकार। धन्यवाद।